एवरीवन, आई एम नीतू कल्याण। टुडे वी डिस्कस ऑन वाटर जग प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट सिस्टम। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो वाटर जग प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाटर जग प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू जग्स होते हैं, एक 4 लीटर का, एक 3 लीटर का। और जो करना क्या है इसमें कि हमें 2 लीटर वाटर 4 कैपेसिटी वाले जग में डालना है, और विदाउट एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ के। मींस हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, दो जग है एक्स और वाई, मींस एक 4 कैपेसिटी का, एक 3 कैपेसिटी का। और क्या करना है, कैन वी गेट 2 लीटर ऑफ वाटर इन द फोर जग, फोर जो 4 कैपेसिटी का जग है, क्या हम उसमें 2 लीटर वाटर डाल सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि वी कैन फिल ए जग फ्रॉम टैप। एक तो हम क्या है कि जो जग है हमारा उसको हम टैप से फिल कर सकते हैं। वी कैन फिल वाटर आउट ऑफ ए जग टू द ग्राउंड। और जब हमारा जग भर जाए, जो हम क्या है वाटर जो जग के अंदर है उसको ग्राउंड पे फॉल कर सकते हैं। और थर्ड क्या कर सकते हैं, वी कैन प्योर वाटर फ्रॉम वन जग टू द अनदर, और एक जग का पानी दूसरे जग के अंदर डाल सकते हैं। देर इज नो मेजरिंग डिवाइस अवेलेबल। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो जग है उसको हम टैप से भर सकते हैं, फुल जो जग भरा हुआ है उसको हम ग्राउंड पे डाल सकते हैं, और एक जग से वाटर दूसरे जग में डाल सकते हैं, और हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक स्टेप फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमारे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारे पास क्या है, दो जग है, एक 3 कैपेसिटी का, एक 4 कैपेसिटी का, और क्या है, बोथ आर एम्प्टी। एक्स वाई मान के चलते हैं कि हमारे पास दो जग है, ये हमारा 4 लीटर का है, ये हमारा 3 लीटर का है, दोनों एम्प्टी है। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप टू, कि हम जो 3 लीटर का जग है उसमें क्या करेंगे, पानी भर लेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको हमने पानी से फिल कर लिया 3 लीटर वाले जग को। अब क्या है, फोर्थ जो है एम्प्टी है और 3 लीटर वाला फुल है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप थ्री, जो 3 लीटर का जो वाटर है किस में डाल देंगे, सारा ये सारा वाटर हम किस में फिल कर देंगे, 4 वाले में। तो इसमें क्या होगा, जो 4 वाला हमारा है उसमें 3 लीटर वाटर कम फिल हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, एम्प्टी हो जाएगा। तो 4th लीटर का जो जग है उसमें कितना पानी है, 3 लीटर फिल है उसके अंदर वाटर, और 3 लीटर का जग है जो वो हमारा क्या हो चुका है, एम्प्टी। अब क्या करेंगे 4th स्टेप में, फिर हम क्या करेंगे, हमारे इसमें कितना है, 3 लीटर वाटर इसमें फिल है, और दूसरा जो जग है हमारा वो क्या था, एम्प्टी था। तो उसमें भी क्या करेंगे हम, 3 लीटर वाटर दोबारा फिल कर देंगे। तो इसमें भी क्या है, जो हमारा सेकंड था 3 लीटर का, उसमें भी हमने क्या कर लिया, 3 लीटर वाटर। तो बोथ एक्स एंड वाई कितना कितना है, 3 लीटर वाटर है हमारा। फिर उसके बाद 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 लीटर कैपेसिटी भरी हुई थी एक्स में, और 3 लीटर का ये वाटर था हमारा, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 लीटर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 4th में। तो 4th में क्या है, 1 लीटर चला जाएगा, क्योंकि इसकी 4 की कैपेसिटी है, तो इस पे 3 ऑलरेडी है, तो इसमें 4 चला जाएगा, और इसके पास कितना बच जाएगा, 2 लीटर, 2 लीटर इसके पास बच जाएगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, 4 लीटर। तो क्या है, जो हमारा एक्स है 4 लीटर की कैपेसिटी, उसमें तो 4 लीटर वाटर आ चुका है, और वाई में कितना है हमारा, 2 लीटर वाटर। फिर 6th स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारे पास ऑप्शन था कि जो फिल है पूरा जग, तो क्या है, ग्राउंड में भी पानी डाल सकते हैं। तो 4th का जो
पानी है वो क्या करेंगे, ग्राउंड पे डाल देंगे और इसके अंदर जो वाटर है वो यूं का यूं रखेंगे। तो हमारा ये 3 के अंदर 2 लीटर है और जो इसका है ये सारा क्या करेंगे, ग्राउंड पे थ्रो कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स का पूरा वाटर कहाँ कर थ्रो कर दिया, थ्रो ऑन ग्राउंड। और ये वाई में जैसा था 2 लीटर वाटर है। फिर क्या करेंगे, अब क्या है हमारे पास 2 लीटर वाटर आ चुका है, लेकिन वो किस जग के अंदर आया, 3 जग्स के अंदर आया, लेकिन हमें किसके अंदर चाहिए, हमें चाहिए 4 लीटर वाले में। तो क्या करेंगे, इसको हम किस में डाल देंगे, 4th लीटर वाले में डाल देंगे। तो इसमें क्या है, 2 लीटर वाटर आ जाएगा और इसमें से क्या है, यहाँ से ये एम्प्टी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में हमने 2 जग लिए, दोनों क्या थे हमारे एम्प्टी। फिर हमने क्या किया, जो 3 कैपेसिटी का हमारा जग था उसमें हमने 3 लीटर वाटर फिल कर दिया। फिर क्या किया, जो 3 लीटर हमने फर्स्ट में फिल किया था उसको हमने सेकंड में डाल दिया और ये एम्प्टी कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा 3 लीटर्स का खाली हो चुका था दोबारा फिर उसमें 3 लीटर वाटर फिल कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो 3 लीटर हम भर चुके थे उसमें से हमने 1 लीटर इसमें डाल दिया 4 कैपेसिटी वाले में। तो इसमें क्या है, हमारा 2 लीटर बच गया और इसके अंदर 4 फुल हो चुका था। तो ये जो 4 फुल था इसको हमने किस पे थ्रो कर दिया, ग्राउंड पे थ्रो कर दिया और हमारे पास बच गया 2 लीटर वाटर। लेकिन 2 लीटर वाटर हमारा किस में था, 3 कैपेसिटी वाले में, लेकिन हमें चाहिए था 4 कैपेसिटी वाले में। तो हमने क्या किया, फिर उसको 4th कैपेसिटी वाले में उसको डाल दिया। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे हमारे पास रूल्स होते हैं, कुछ रूल है वही हमने अप्लाई किए। तो फर्स्टली हमने क्या किया, हमारे दोनों क्या थे, हमारे दोनों जो जग थे वो क्या थे, एम्प्टी थे। फिर हमने क्या किया था कि जो सेकंड था जग हमारा 3 कैपेसिटी का, उसमें क्या किया था, हमने 3 लीटर वाटर फिल कर लिया। तो कौन सा रूल अप्लाई करके, सेकंड रूल अप्लाई करके। सेकंड रूल हमारा क्या था, एक्स इफ वाई लेस देन 3, वाई लेस देन 3 था क्योंकि हमारा एम्प्टी था। तो क्या करेंगे, फिल वाई फ्रॉम द टैप। तो क्या है, जो जग है उसको हम टैप से भर देंगे। तो हमने ये क्या किया था, टैप से भरा था। तो ऐसे हमारे पास 12 रूल होते हैं, इनको हमें याद करना होता है, इनको अप्लाई फिर उसको अप्लाई करना होता है, क्योंकि वाटर जग प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं है, मोर देन 1 सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो कोई कोई किसी भी स्टेप को यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे रूल्स होते हैं और वो हमें अप्लाई करना होता है। तो हमने सेकंड क्या किया, फिर जो हमारा वाटर था 3rd जग के अंदर वो हमने क्या डाल दिया, 4th कैपेसिटी वाले जग के अंदर डाल दिया। और ये कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, सेवन्थ। सेवन्थ क्या कहता है, यदि वो हमारा 4th लीटर का जग एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, और वाई के पास वाटर है तो क्या होगा, एम्प्टी कर देंगे जो 3 लीटर का वाई हमारा है वो किस में, 4th में। तो क्या हमने यही किया था कि जो हमारा ये हमने देखा था कि इसके अंदर वाटर था और ये हमारा एम्प्टी था, तो हमने क्या किया, इसका वाटर उठा के इसमें डाल दिया। फिर हमने क्या किया, दोबारा फिर हमने क्या किया, टैप से वाटर को भरा। सेकंड रूल वही कि हमने जो एक्स को फिल, जो 3 लीटर का हमारा वाई था उसको हमने फिल कर लिया टैप से। फिर क्या किया हमने, 11th रूल पास किया। 11th रूल क्या है हमारा, इफ एक्स लेस देन वाई है, जो हमारा एक्स था, एक्स लेस देन वाई है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो भी वाटर है एक्स का वो उसमें डाल देंगे। तो हमने यही किया था, इसमें से जितना भी ये लेस था, जितना भी डिफर था जितनी उसकी कैपेसिटी से, तो उसमें से उठा के हमने ये इसमें डाल दिया था 4th में। फिर हमने क्या किया था कि जो वाटर था उसको ग्राउंड पे डाल दिया, जो 4th का वाटर था वो किस पे डाल दिया, ग्राउंड पे। और ये हमारा 3rd रूल क्या कहता है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स में यदि पानी है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको ड्रेन कर सकते हैं, ग्राउंड पे फॉल कर सकते हैं। और फिर क्या था, हमने जो वाटर था एक जग का वाटर दूसरे जग के में डाल सकते हैं, तो वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, एक जग का वाटर दूसरे जग में हमने डाल दिया था।
तो और यही हमारा सॉल्यूशन था। तो पेपर की में हमें ये सॉल्यूशन लिखना होता है और ये रूल भी हमें याद रखना होता है कि कौन सा रूल अप्लाई करके हमने ये किया, ये सॉल्यूशन अप्लाई किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डू। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी काफ़ी आसानी से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।